डेटा तो मेरा बड़ा स्लो चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, दरअसल मैं बॉलर टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी अलग है। हम ज़्यादातर T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें लेंथ और पौड़े या टेस्ट क्रिकेट में जो आप बॉल गिराते हो उसमें काफ़ी जो है ना फ़र्क होता है, ठीक है। या तो ये लोग बिल्कुल आगे बॉल गिराता है यॉर्कर टाइप के, या तो बिल्कुल पीछे गिराता है। एक गोडलिन पे बॉल गिरानी पड़ती है और उसी एरिया से आपको फिर मूवमेंट, अगर आपके बॉल में मूवमेंट नहीं है तो फिर आप भले ऑस्ट्रेलिया क्या इंग्लैंड भी चले जाओ, आपको आउट ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको ख्वारी करने पड़ेगी, 25-25 ओवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप टीम उड़ाना चाहते हो तो आपके पास कोई एक स्विंग होना चाहिए लाजमी। अगर आपके पास दो स्विंग है और आप 135-140 पे बॉल करते हो तो उम्मीद रखता हूँ, अगर जैसे विकेट ऑस्ट्रेलिया में थे जिस तरीके से वो स्टार्क बॉल कर रहा था, और वो मतलब ये हमारे टॉप के लड़के थे बैट्समैन, मगर उन लोगों ने खेलने नहीं दिया उस विकेटों पर, ठीक है, और हमारे खिलाफ 400-500 रन बन रहे, तो उसमें कि हमें कमी है। और ये मतलब है कि और बाकी बॉलरों ने भी ये देख लिया कि नहीं, हम बाउंसरों पे आउट नहीं कर सकते, हमें आगे बॉल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बॉल जब गिरता है और उसमें मूवमेंट होता है तो बैट्समैन से आप पूछ सकते हो कि उसकी क्या हालत हो जाती है। बात यह कि मैं क्वेटा में दोबारा मतलब कमबैक कर चुका हूँ, और ये मैं पिछले रमज़ान से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। मैं उमर एसोसिएट से खेला रमज़ान क्रिकेट और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई। मतलब ये मैनेजमेंट मुझसे काफ़ी खुश थी, और जिस तरीके से मैं कुछ चीज़ें नहीं लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस बार क्वेटा ग्लेडिएटर जिस तरीके से माशाल्लाह से तगड़ी टीम है, और सरफराज के साथ तो मैं खेलते हुए आ रहा हूँ 10-15-20 साल हो गए इसके अंडर में, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस बार जो है ना हम मायूस नहीं करेंगे और एक अच्छी न्यूज़ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला।